हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की नाइन्थ थ्योरम करेंगे, स्टेट एंड प्रो फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इसकी हमने स्टेटमेंट भी लर्न करनी है। स्टेटमेंट क्या है? इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये हमारी डेफिनेशन होती है। देन हमने हमेशा देन के बाद वाला लर्न करना है। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस एफ ऑफ एस। इनिशियल में हम क्या करते थे, जब हमारा टी जीरो होता था और एस किसको अप्रोच करता था, इन्फिनिटी में। अब हमारा क्या है, फाइनल मीन्स कि टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को और एस क्या होगा, जीरो को अप्रोच करेगा। ये हमारा ऑपोजिट चलता है, बाकी टर्म हमारी सेम आती है ना। हम डेफिनेशन लगा देंगे जीरो टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। ये हमने थ्योरम सेवन में किया था। नाउ एस किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, यहाँ पे पुट कर दिया। ये हमारा नेगेटिव है तो ये टर्म इधर ले ली हमने। पिछली वीडियो में हम क्या करते थे, अगर हमारा नेगेटिव होता था तो इसको यहाँ पे ले आते थे, बट यहाँ पे हमने क्या चाहिए, एस को जीरो में अप्रोच करवाना है। लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, ई की पावर जीरो इज वन, तो क्या बच गया, एफ डैश टी डी टी। अब हमारा डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, एफ ऑफ टी जीरो टू इन्फिनिटी। हमारी लिमिट्स नहीं फिनिश होती, हमेशा डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन खत्म होता है। सो आपने लिमिट्स ओनली लेनी है, ओनली लिमिट्स कंसीडर करनी है, जीरो टू इन्फिनिटी। डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, सो हमारा क्या बन गया ये, और एफ ऑफ जीरो के साथ एफ ऑफ जीरो हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारी ये क्या बन गई, फाइनल वैल्यू थ्योरम। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।